हेलो डियर फ्रेंड, ऑनलाइन सुविधा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह अपने कुंदन ऑनलाइन सुविधा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा जो सेशन है वो आधार कार्ड में जो एड्रेस चेंज और उसमें फादर नेम हस्बैंड नेम चेंज करने या अपडेट करने को लेकर के जो लोगों के बीच परेशानी है, आज मैं आपको उसका सोल्यूशन और जो कन्फ्यूजन है उसे मैं दूर कर दूँगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना, एक तो पहले से ही है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है और वो जो है आधार कार्ड सेंटर के चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आप खुद से भी कर सकते हैं एड्रेस चेंज, और हस्बैंड और फादर नेम को जो अपडेट करना होता है यानी शादी के बाद फादर नेम की जगह पे हस्बैंड नेम अपडेट करना होता है, तो इसको लेकर के जो ये जानकारी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके बारे में ये आर्टिकल है, और उसमें आपको जो है वो उसमें आपको आधार कार्ड में एक चालू मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा ताकि आप आसानी से OTP वेरीफाई करके अपने आधार कार्ड में पते को बदल सकें। यानी यहाँ पे एक मेन कंडीशन ये है कि आपके आधार कार्ड में एक चालू मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं या फादर या हस्बैंड का नाम अपडेट कर रहे हैं तो उसको लेकर के एक गवर्नमेंट प्रूफ आपके पास हो सकती, आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। शादी होने के बाद अगर आप नेहर से अपना सरार यानी पति के घर जाते हैं तो वहाँ का आपको एक आवासीय बनवाना होगा, उस आवासीय में आपके पति का नाम होना चाहिए और वहाँ का पूरा एड्रेस होना चाहिए, ताकि उस एड्रेस प्रूफ के आधार पर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकें और फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम को जो है अपडेट कर सकें। उसके लिए चार्जेस जो है गवर्नमेंट की तरफ से 50 रुपये रखा गया है, यानी 50 रुपये का आपको चालान कटवाना होगा और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई करना होगा, तब जाकर के जो है आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस फादर नेम के जगह हस्बैंड नेम को आप अपडेट कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ऑनलाइन है, यानी आप अपने मोबाइल से यानी स्मार्टफोन से या घर में अगर लेते हैं तो लेते से, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप नज़दीकी किसी साइबर कैफे में जा करके जो है ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, और OTP के माध्यम से और आवासीय प्रमाण पत्र के माध्यम से जो है आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा जो जानकारी है आपको शायद अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को कुंदन ऑनलाइन सुविधा नारजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे, ताकि आप इस चैनल के अवेलेबल वीडियो को आप विजिट कर सकें, व्यू कर सकें दोस्तों। तो चलिए हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।